फ्रेंड्स, हम कोई मोबाइल परचेस करने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी सेटिंग हमको बिल्कुल पता नहीं रहती है। ऐसी ही सेटिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, एक ऐसी सेटिंग की जो आपके सामने दिखती है लेकिन उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, उसका यूज करना नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम रिसेंट टैब का, ये होता है मेन मेन्यू का और ये होता है बैक का ऑप्शन। लेकिन इसको अगर हम चाहें तो आपके मोबाइल से हाइड कर सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि इसको हाइड कर सकते हैं? अगर हाइड कर दिया तो फिर हम कैसे यूज करेंगे? तो ये सेटिंग सिर्फ वैसे मोबाइल में काम करेगी जो ये ऑप्शन डिस्प्ले पर दिया हो। आप समझ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आपके डिस्प्ले में ही हो, ना कि मोबाइल के बाहर। जैसे बाहर स्क्रीन इस पे रहता है मोबाइल पर, वो उस मोबाइल में ये सेटिंग काम नहीं करेगी। चाहे कोई भी मोबाइल हो, रेडमी, वीवो, रियलमी, ओप्पो, कोई भी मोबाइल हो, हर एक सेटिंग काम करेगी आपकी इस ऐसे टाइप की मोबाइल में जिसका ये सब ऑप्शन आपके डिस्प्ले पर दिया हो, राइट। और ये भी होता है कि किसी किसी को प्रॉब्लम होगी कि मान लीजिए कि किसी के मोबाइल में ये दिख नहीं रहा होगा और वो परेशान हो गया कि मैं क्या करूं और मेरे मोबाइल में ये दिख नहीं रहा है, इसको बोलते हैं हम नेविगेशन टैब, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमआई यूजर्स हैं तो आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में आपको मिल जाएगा फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन पर आप वहां पे अपना काम करेंगे। लेकिन मैं वीवो, रियलमी और ओप्पो में बता देता हूं कि इनमें आपको नेविगेशन सिस्टम दिया होगा, सिस्टम नेविगेशन, इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन दिए रहेंगे, नेविगेशन कीज जिस पे ये चल रहा है, ऑलरेडी नेविगेशन कीज पर ही है। दूसरा ऑप्शन है नेविगेशन गेस्चर और तीसरा है इसका ऑर्डर। मैं नेविगेशन गेस्चर जो हमारा मेन सेटिंग है, लेकिन इससे पहले हम इसका ऑर्डर एंड स्टाइल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहां पर दिख रहा है, यहां पर रिसेंट टैब, मेन मेनू और ये हो गया बैक ऑप्शन। आप यहां पर देखिए रिसेंट टैब, मेन मेनू एंड बैक ऑप्शन, ये पर यहां पर इनेबल है। अगर आप चाहें तो यहां पर चेंज कर सकते हैं, बैक वाला ऑप्शन जो है इसको इधर कर सकते हैं और जो रिसेंट टैब है इसको इधर कर सकते हैं। जैसे यहां पर है, इसको आप क्लिक करेंगे यहां पर तो देखिए यहां पर चेंज हो गया। अगर इनका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, मतलब स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहां पर इस तरह का है और इस तरह का राउंड करना चाहते हैं, जैसे मेन मेनू राउंड टाइप का करना चाहते हैं, देखिए यहां पर चेंज हो गया। यहां पर अगर आप एरो टाइप करना चाहते हैं बैक ऑप्शन, तो यहां पर इसको इनेबल कर देंगे, राइट। लेकिन जैसा था इसको हम वैसे कर देते हैं, आपको जो सुटेबल लगेगी वैसा कर सकते हैं। अभी हम मेन इसका गेस्चर वाला बता देते हैं जो कि हमारा मेन सेटिंग है। यहां पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नीचे से जो आपका रिसेंट टैब या फिर शॉर्टकट की जो आपको नीचे से जो आता है ना, नीचे से स्लाइड करने के बाद, वहां आपको क्या करना है कि लेफ्ट कॉर्नर से आपको इसका शॉर्टकट सेंटर आएगा। आप समझ रहे हैं, नीचे से लेफ्ट साइड से आप कॉर्नर से आपको इसको स्लाइड करके ऊपर जाएंगे तो आपका यहां पर शॉर्टकट सेंटर आएगा। फिर बीच वाले से अगर आप इसको ऊपर कर रहे हैं तो मेन मेनू आ जाएगा। हम फिर से अभी जाना पड़ेगा उसमें सिस्टम नेविगेशन में, गेस्चर में। अगर बीच वाले से इसको स्लाइड करके आप ऊपर करते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं तो आपका मेन मेनू हो जाएगा। अगर आप यहां से इसको नीचे से ऊपर खींचते हैं, जैसे नीचे से ऊपर खींच दिया तो एक स्टेप बैक आ जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, बैक करने के लिए आपको राइट साइड में आपको आप ऊपर खींचना है एक स्लैब, नीचे से लेकर ऊपर खींचना है तो एक स्टेप बैक हो जाएगा। अगर आप फिर से, जैसे मैं मेन मेनू यहाँ पर यूट्यूब ले लेता हूँ, यूट्यूब में मान लीजिए आ गए हम, अगर आपको मेन मेनू में डायरेक्ट मेन मेनू में जाना है तो यहां से आपको खींचकर ऊपर कर देना है तो ये डायरेक्ट मेन मेनू में जाया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका रिसेंट टाइप होता है तो बीच में से आपको खींचकर ऊपर करना है और थोड़ा सा होल्ड करना है तो देखिए यहां पर जो हमारा रिसेंट टाइप है ये ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारी कुछ सेटिंग। अब इसके आगे हम मैं बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं, किसमें था हमारा सिस्टम नेविगेशन में, हम फिर से जाते हैं। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको बैक करना है, यहां से बैक आप राइट साइड से लेफ्ट अगर खींचते हैं तो भी आपको बैक हो जाएगा। जैसे मैं बैक करके दिखाता हूं, यहां से आप बैक कर लिया, फिर से हम जाते हैं उसमें, फिर से अगर लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड खींचते हैं, खींचकर छोड़ते हैं तो भी आपको बैक हो जाएगा। बैक के ऑप्शन बहुत सारे आपको मिल गए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट और यहां से बॉटम में आपको राइट से ऊपर खींचेंगे तो भी बैक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, बैक के ऑप्शन तीन आपको मिल गए, जैसा आपको सुटेबल लगे यहां से कर सकते हैं। एक और इसके साथ एक और सेटिंग आ जाती है, लेफ्ट से राइट अगर खींच के थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो पांच एप्लीकेशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यहां से आप कोई भी एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, बहुत ही इसको बोलते हैं क्विक लॉन्च एप्स। यहां पे अगर आप चाहें कि अगर
कहीं भी मेनू में है आप, मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं और उसके ऊपर आप अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा एप्लीकेशन मैं ला सकूं, तो यहां से राइट खींचना है और यहां आपको 5 एप्लीकेशन मिल जाएंगे। इनको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि फिर से मैं रिसेंट टाइम में चला जाता हूं, जो हमारी सेटिंग थी इसमें चला जाता हूं। जो अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं कि 5 एप्लीकेशन जो है इनको कैसे हम कस्टमाइज करें, तो यहाँ पर क्विक लॉन्च ऐप्स मिल जाएगा। क्विक लॉन्च ऐप्स में यहाँ पर एडजस्ट द क्विक लॉन्च ऐप्स लिस्ट, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक जब आप करेंगे तो आपके सारे एप्लीकेशन, आपके मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ 5 एप्लीकेशन एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आपके नीचे ये जो सेटिंग्स जो टैब्स दिख रहे थे, मान लीजिए इसमें नहीं दिख रहा है, किसी को अगर प्रॉब्लम हो कि ये टैब नहीं दिख रहा है और उससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, तो वहीं पे सेम प्रोसेस आपको करना है। सिस्टम नेविगेशन में जाना है, यहाँ से आपको इसको फिर से नेविगेशन कीज में जाना है। अगर आप बैक करना चाहते हैं तो फिर से ये जो टैब हैं ये आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे अगर आपको MIUI के यूजर हैं तो उसमें जाकर आपको फुल स्क्रीन ना करके शॉर्ट स्क्रीन में कर देना है, तो आपका जो नीचे का टैब है ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही आप बेल आइकॉन को जरूर बजा देना, घंटी जो होगी उसको जरूर बजा देना, जिससे कि मेरी आगे वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।